इस वक्त पाकिस्तान की फौज में क्या चल रहा है? रात गए जीएचक्यू से बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। डीजीआईएसपीआर की जानिब से एक अहम बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अंदरूनी बैरूनी प्रोपेगेंडों के बावजूद फौज मुत्तहिद है और रहेगी। या तो मार्शल ला लगाओ, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ आ रहे हैं, हम भी फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने की दोबारा से कोशिश करते हैं। तो ये सारा कैओस क्रिएट हो रहा है और अब अल्लाह खैर करे। चीन के वजीर खारजा ने आके इनको समझाया है और चाइनीज ने मुझे कहा कि आप आए इनको समझाएं। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने इनको समझाया है, अमेरिकन ने कल कंडेम किया। आप हैरान होंगे कि अभी मैं देख रहा था कि अफगानिस्तान ने भी इनको कहा कि अपने हालात ठीक करो। ये भी वक्त आना था क्यामत की निशानी है। पाक फौज का कहना था कि अंदरूनी शरपसंदों और बैरूनी दुश्मनों की पूरी कोशिश के बावजूद फौज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क्यादत में मुत्तहिद थी, मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। इसको तकसीम करने का ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। कि ये मोहम्मद बिन सलमान तो नहीं इस मुल्क में बैठा हुआ? या तो आप डिक्लेयर कर दें कि यहाँ मोहम्मद बिन सलमान है, या यहाँ पे अन्नाहयान खानदान है, या यहाँ पे अस्सानी खानदान है कतर का। वर्ल्ड का बेटा और बेटा दर बेटा और 100 साल की बादशाहत है, ना कोई हिल सकता है, ना कोई बोल सकता है, ना कोई सियासत है। बाहर आपने बोर्ड लगाया हुआ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की दुकान के कि यहां इस मुल्क में जमहूरियत बसती है। तो जमहूरियत का तकाजा यह है कि फिर लोगों के राय का एहतराम भी किया जाए। यही दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज की और नए वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान के DGISPR की तरफ से एक बयान आया है, जिस बयान में उन्होंने कहा है कि जो हमारे लोग हैं और जो बाहरी दुश्मन है वो साथ में मिलकर पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के लोगों के बीच में दूरियां पैदा करना चाहते हैं। दोस्तों DGISPR का ये बयान कहीं ना कहीं दिखाता है कि पाकिस्तानी आर्मी कितनी भोली बनी है, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान के अरेस्ट के बाद पाकिस्तानी आर्मी पे ही अटैक हुआ, इससे साफ समझ में आता है कि जो पाकिस्तानी आवाम है, जो इमरान खान के समर्थक है, वो ये बात जानते हैं कि इमरान खान को मारने, इमरान खान को गिरफ्तार करने में आर्मी का ही हाथ है। चाहे आर्मी जो है वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर बयान देकर ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम इसके पीछे नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम और ख़ुद इमरान खान ने कई ऐसे जनरलों का नाम लिया है जिसमें साफ तरीके से बताया कि उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। तो जो DGISPR की तरफ से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत और जो हमारे दुश्मन हैं वो साथ में मिलकर हमारे और जो पाकिस्तानी आम आवाम है उनके बीच में दूरियां पैदा करना चाहते हैं, तो फिर उनको अपने अपने ऊपर ही हुए हमले को देख लेना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि आखिरकार उन पे हमले क्यों हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि शेख रशीद और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस पर क्या बात कर रही है। चीन के वजीर खारजा ने आके इनको समझाया है और चाइनीज ने मुझे कहा कि आप आए इनको समझाएं। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने इनको समझाया है, अमेरिकन ने कल कंडेम किया। आप हैरान होंगे कि अभी मैं देख रहा था कि अफगानिस्तान ने भी इनको कहा कि अपने हालात ठीक करो। ये भी वक्त आना था क्यामत की निशानी है। सब तरफ आग फैल चुकी है। मैं रात 1:12-13 पर सोचा हूं कि मेरी गली में भी अजीब नारे लग रहे हैं, अजीब हालात पैदा, और अभी तक लोग सड़कों पर हैं। अगर ये बुलाएंगे मदरसों के लोगों को और सोमवार के दिन किसी दिन टकराव हो जाएगा, फिर लक पता जाएगा इनको। वो हालात नहीं रहे, लोग किसी के कह में नहीं है, लोग अपने गुर्बत के हाथों, महंगाई के हाथों, आटे के हाथों, बिजली के हाथों, गैस के हाथों, पानी के हाथों खुद मरे बैठे हैं। लोग खुदकुशी कर रहे हैं, सुबह ये बता रहे हैं कि रात हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं पोस्टमार्टम ना हो। कब्रों के पैसे नहीं है जी लोगों के पास, कैमरामैन GNN भेजे रावलपिंडी के कब्रस्तानों में, बोर्ड लगे हैं कि अगर आप कब्र की पेमेंट नहीं कर सकते तो यहाँ हाजिर अल्लाह जिता को फोन करें। तो ये भी दिन हमने देखने थे कि अफगानिस्तान हमें कह रहा है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात और हालात को दुरुस्त करें। सो ये इनके अकल पे पर्दा पड़ गया है, ये ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं। इनका ख्याल था ये डिलीवर करेंगे और कुछ सस्ता निकल आएगा, ये डिलीवर भी नहीं करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरे पड़ोसी मुल्क में जो दोस्त हैं वो सब कह रहे हैं कि आपके लिए 30-40 दिन बहुत अहम है।
इस वक्त पाकिस्तान की फौज में क्या चल रहा है? रात गए जीएचक्यू से बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। आईएसपीआर ने एक बहुत वाज़े पैगाम दिया है और इस पैगाम में एक जानिब तो फौज के अंदर और फौज की जो सीनियर लीडरशिप है उसके अंदर इख्तलाफात के हवाले से पूरी की पूरी कौम जो है आज भुगत रही है आपके जो चीजें हैं उन्हें। अब यहां पर नाज़रीन किराम दो तीन चीजें आपके सामने रख दूं। इस वक्त एक जानिब तो आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर, उनके हवाले से आपको पता है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दो तीन बातें की। अब ये बातें एक जानिब तो बड़ी वाजे हैं, बड़ी दो टोक है, लेकिन कुछ हद तक खुशाइंद भी हैं। इमरान खान साहब ने कहा आज मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो एक शख्स की वजह से हो रहा है और वो शख्स उन्होंने जारी बात है जो इदारे के ताकतवर तरीन शख्स है उसका जिक्र किया। अब इसके साथ ही साथ खान साहब ने एक और चीज भी कही। खान साहब ने यहां पर यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि मैं उन्हें फारिग कर दूंगा, उन्हें हुकूमत ने यह कम्युनिकेट किया है, मैंने ऐसा कोई मंसूबा नहीं बनाया और मैं ये वादा करता हूं कि मैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखूंगा, कोई भी चीफ हुआ उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखूंगा और मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ूंगा, अपनी जाति को पीछे छोड़ दूंगा। लेकिन अब जारी बात है कि हाथ में पॉलिश जो है वो पकड़े हुए और बुरश पकड़े हुए शहबाज शरीफ साहब कैसे पीछे रह सकते हैं? असल में ये फौज की मोहब्बत में नहीं बोलते, ये इमरान खान साहब और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके दरमियान खलीज जो है उसे मजीद गहरा करने के लिए बोलते हैं। शहबाज शरीफ ने इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर इल्जाम तराशी की मजम्मत कर दी है। उन्होंने कहा कि इमरान नियाजी का बयान फौज के खिलाफ उसकी घटिया जहनीत का एक और सबूत है, पूरी कौम मुसल्ला अफवाज और आर्मी चीफ के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि यह बयान 9 मई के अलमनाक वाकयात के मास्टरमाइंड का एतराफ जुर्म है, शहदा गाजियों की यादगारों की बेहरमती, हसास तनसिबात और इमारतों पर हमले के पीछे मंसूबाबंदी इमरान खान की थी। वजीर आजम ने कहा कि शमशीर एजाज और हाफिज़े कुरान ईमानदार आर्मी चीफ से इमरान नियाजी खौफ ज़दा है, फौज के सिपासालार के खिलाफ इस नौयत की घटिया गुफ्तगू दहशतगर्दों की हिमायत है। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर इमरान खान के अहलिया फरा गोगी और पीटीआई की सीनियर क्यादत की करप्शन से भी आगाह हैं। अब इस स्टेटमेंट की क्या तुक बनती थी, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब लिया जाए कि ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को पता है कि जी ये भी करप्ट है, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कैसे ये स्टेट पावर यूज करते हैं, कैसे ये एहतजाज रोकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मुनाफकत तैयार करेंगे। अब यहां पर दो तीन और चीजें आप समझ लें। मुस्लिम लीग नून की रानुमा मरियम नवाज ने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब आप अपनी कुर्सी को इमरान की सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद को इमरान की सियासत के लिए इस्तेमाल करने पर सियासी रद्द अमल के लिए तैयार रहे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि आपके घर जलाए जाएंगे और मैं पेशगोई कर रही हूं कि आपके घर जलेंगे। उसके बाद मौलाना फजल रहमान सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं और मरियम नवाज ने कहा है कि आप अपनी कुर्सी को इमरान खान की सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब उसका रद्द अमल आएगा। अपनी ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि चीफ जस्टिस होने का मतलब यह नहीं कि रियासत को एक शख्स की गुलामी में दे दिया जाए। इस शख्स ने पालतू गुंडों के जरिए कौमी वकार और मुल्की दिफा की अलामत को जलाकर राख कर दिया, ऐसे शख्स को मुकदमात में गिरफ्तारी से रोका, शाही मेहमान बनाकर रखा, नखरे उठाए, ये सब काम हर पाकिस्तानी और उन शहदा और गाजियों की तौहीन है जिनकी हर निशानी पर हमला हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब आप मुल्की तकदीर से खेलने वाले एक दहशतगर्द के सहूलतकार बने जिसके बाद आप अपना वकार खो चुके हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है और खास करके जो सिख रसीद है उसका ये कहना है कि आज हमारे हालात यहाँ तक पहुँच गए कि अफगानिस्तान जैसे देश जो है वो हमको नसीहत दे रहा है और बोल रहा है कि आपको अपने मामलात को सुधारना चाहिए। दोस्तों पाकिस्तान की स्थिति आज अफगानिस्तान से भी नीचे तो गिर गई है, ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है। अगर आप पाकिस्तानी रुपी को ही देखें तो आपको पता होगा कि पाकिस्तानी रुपी इस समय 300 से ऊपर चला गया था और अभी थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन ये स्थिति अफगानिस्तान की कम से कम नहीं है जहाँ पर लगातार कत्लेआम हो रहे हैं। दोस्तों अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को नसीहत दी है और कहा है कि अपने मामलात को बैठकर जो है वो हल करें, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनी रहती है तो ये जो नुकसान है ये पाकिस्तान के साथ साथ जो पड़ोसी मुल्क है उनको भी रहेगा। और दोस्तों भारत की तरफ से भी जो नज़रिया है वो हमेशा पाकिस्तान की तरफ से देखा जा रहा था कि आखिरकार पाकिस्तान में हो क्या रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ भी अगर गलत होता तो उसका कुछ ना कुछ जो नुकसान है वो भारत के ऊपर भी पड़ने वाला था। और इसीलिए भारत की जो आर्मी है, भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान पाकिस्तान के ऊपर किया था, क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ भी होगा उसका प्रभाव जो है वो पूरे मुल्क के साथ साथ भारत पे भी पड़ने वाला है। दोस्तों इस बात की राय आप हमें कमेंट करके जो बताएगा, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल आईएनएल न्यूज को जो सब्सक्राइब